नमस्कार, आइए बात करें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में। यहाँ मेरे पास स्क्रीन पर जो डाटाबेस है इसमें एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में थोड़ी सी समस्या है, इस पर मैं विचार करता हूँ। हम आवश्यकता को समझेंगे और फिर समझेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो यह जो डाटाबेस टेबल बनी हुई है मेरे पास डाटाबेस के अंदर, यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर बार बार रिपीट हो रहा है, वहीं ईयर टर्म कोड जो कि वो भी है, वो ईयर जो लिखा हुआ है यह भी रिपीट हो रहा है, दिसंबर 2018 है वैसे ही, और कोर्स के नाम भी रिपीट हो रहे हैं। यह एक समस्या है डाटाबेस में। क्या हम इस टेबल को नॉर्मलाइज्ड कर इसे थोड़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमें बार बार बीकॉम कोर्स ना लिखना पड़े, बार बार बीएससी ना लिखना पड़े, बार बार बीकॉम फिफ्थ सेम ना लिखना पड़े, साथ में ईयर कोड भी ना लिखना पड़े? इसका कोई अल्टरनेट वे है हमारे पास? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल यह संभव है। यदि हम इस जानकारी को किसी अन्य टेबल में रखकर एक इसे भी कोड दे दें या एक नंबर दे दें, यूनिट नंबर, तो यहाँ पॉसिबल है। तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हम यहाँ काम करेंगे। नॉर्मलाइजेशन वास्तव में एक प्रोसेस है जो डाटा रिडंडेंसी या डाटा के दोहराव को कम करती है, रिपीटेशन को कम करती है, साथ ही साथ डाटा को एक्सेस करने में जो समय लग रहा है उसमें भी थोड़ी सी कमी आती है। कम समय में हम अधिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन कम होगा तो कम से कम मैचिंग होगी, और कम से कम मैचिंग होगी तो जल्दी रिकॉर्ड मिलेगा हमें आउटपुट में। तो मेन उद्देश्य तो रिपीटेशन कम करना ही है, लेकिन जब आप डाटा अननॉर्मलाइज्ड रहता है या नॉर्मलाइज्ड नहीं होता है तब क्या समस्या आती है, इस वेबसाइट पर दिखाया गया है। प्रॉब्लम विथआउट नॉर्मलाइजेशन, तो एक टेबल दिखाई है इन्होंने, इसमें भी इन्होंने दो प्रकार की जानकारी को, वास्तव में इस टेबल में इन्होंने जानकारी स्टोर की है कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की और उनकी ब्रांच और उनके एचओडी की, और साथ में ऑफिस के टेलीफोन नंबर भी स्टोर किए हैं। यहाँ ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है और एचओडी बार बार रिपीट हो रहे हैं नाम, और ऑफिस के टेलीफोन नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ स्पेस है और साथ ही साथ टाइम भी है। तो मान लेते हैं कि मैं इस टेबल में नए डाटा को इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने एक ऐसा स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट किया है जिसने कोर्स डिसाइड नहीं किया है या जिसके एचओडी नहीं है। तो मान लो ऐसे 1000 स्टूडेंट आ जाते हैं तो 1000 ब्लैंक स्पेस बन जाएगी, जो कि गलत है। डाटाबेस का नियम यह है कि जितनी स्पेस दी गई है, जितने वेरिएबल्स बनाए गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, व्यर्थ में वेस्टेज ना जाए। वहाँ एक वेस्टेज है, तो इस वेस्टेज को हम नॉर्मलाइज, यह वेस्टेज इसलिए है क्योंकि ये जो टेबल है ये नॉर्मलाइज नहीं है। यदि हम इस टेबल को नॉर्मलाइज कर देंगे तो यह वेस्टेज खत्म हो जाएगी। मैं आगे इस टेबल को नॉर्मलाइज कर वेस्टेज ऑफ स्पेस को कम करने का प्रयास करूँगा और बताऊँगा किस तरह हम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से उस स्पेस को कम कर सकते हैं। बिल्कुल हटा दूंगा मैं, यह नहीं कह रहा, लेकिन मैं कम कर दूंगा, जहाँ 1000 है वहाँ 1 रहेगी, यह हो सकता है। तो कई बार नल स्पेस आ जाती है, नल स्पेस माने कि खाली सेल्स बन जाती हैं, खाली रिकॉर्ड्स टेबल में इंसर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम, यह एक समस्या है इंसर्शन के टाइम पर, जिसे हम दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और बात करता हूँ मैं अपडेशन की, अपडेशन एनोमी, ये एनोमली जो पढ़े आप, ये वास्तव में एनोमली का अर्थ होता है विसंगतियाँ। तो कुछ विसंगतियाँ हैं डाटा को इंसर्ट करते समय भी और अपडेट करते समय भी और डिलीट करते समय भी कुछ विसंगतियाँ ऐसी हैं कि जो जिनकी वजह से डाटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। रिपीटेशन तो एक कारण है ही, साथ ही साथ यहाँ भी इंसर्ट करने में परेशानी आ गई हमें, जैसा मैंने आपको बताया, और अपडेट करने में भी परेशानी है। अब आप सोचेंगे अपडेट करने में क्या परेशानी है। यहाँ मिस्टर एक्स लिखा हुआ है, एचओडी का नाम लिखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है।
मान लेते हैं कि टेबल है, ये जो एक टेबल है इसी, तो ठीक है, मान लो इसी और भी जगह कई जगह टेबल्स बनी हुई है हमारे डाटाबेस में और वहाँ भी एच ओ डी के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये टेबल आपस में जुड़ी हुई नहीं है। मान लो इसी हज़ार हज़ार टेबल्स हमारे पास बनी हुई है डाटाबेस में। अब आप सोचिए, हज़ार टेबल में एच ओ डी के नाम को चेंज करना कितना टफ टास्क है। हाँ, अगर हम इन्हें सही तरीके से आपस में जोड़ लें तो मुझे लगता है कि अपडेट करने में परेशानी नहीं होगी। तो जोड़ते वक्त क्या सावधानियाँ रखना है वो हम नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यह बिना नॉर्मलाइजेशन के तो यह परेशानी है कि हम एक जगह अपडेट करते हैं तो बाकी जगह अपडेशन नहीं होता है, तो अपडेशन की भी थोड़ी सी परेशानी है। डिलीट करने की बात करते हैं, डिलीट करने में क्या समस्या है इनके अनुसार, इस टेबल के अनुसार। इस टेबल में वास्तव में दो एंटिटी की जानकारी को स्टोर किया गया है, एक तो स्टूडेंट और दूसरी एंटिटी है ब्रांच। तो ब्रांच की जानकारी भी स्टोर की है हमने एक टेबल में ही, और उसी टेबल में एक और एंटिटी की जानकारी है, वो है स्टूडेंट। मान लेते हैं कि मैं स्टूडेंट की जानकारी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं स्टूडेंट की जानकारी को डिलीट करूँगा। आप भी समझते हैं कि यदि मैंने स्टूडेंट की जानकारी को डिलीट किया है तो ये ब्रांच की जानकारी भी डिलीट हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो यदि इस तरह की टेबल्स हम बनाते हैं तो इस तरह के टेबल में डाटा को इंसर्ट करने में, डाटा को अपडेट करने में, डाटा को डिलीट करने में बहुत परेशानी आती है, साथ ही साथ डाटा में रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगा यह टेबल नॉर्मलाइज्ड नहीं है, यह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो फिलहाल है लेकिन नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो आइए समझे कि इस टेबल को भी नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी इस टेबल को भी नॉर्मलाइज्ड कैसे करूँगा। तो अगले वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन या फिर कुछ नियम्स ऐसे हैं, रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करते हुए इन टेबल्स को नॉर्मलाइज करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुल मिला के ये पांच नॉर्मल फॉर्म्स बनाए गए हैं, इन्हें हम समझेंगे कि क्या होते हैं और इनके माध्यम से ऊपर वाले टेबल और मेरे कंप्यूटर में स्टोर किया गया डाटाबेस, उसके अंदर कुछ टेबल्स बनी हुई है, उसके अंदर इन दोनों टेबल को हम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस फाइव रूल्स वी विल नॉर्मलाइज द टेबल्स। आशा है नॉर्मलाइजेशन के बगैर क्या परेशानी आती है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।